मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश, 5 नाबालिग डिटेन और 2 आरोपी गिरफ्तार। अस्पताल बाजार से लेकर घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों की रेकी करने के बाद कुछ दूरी तक पैदल चलाकर चुरा ले जाने वाले 2 चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए रेलंगरा पुलिस ने 5 नाबालिग बालकों को डिटेन किया है, जबकि कांकरोली पुलिस ने 2 सातीर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ही चोर गिरोह की निशानदेही से पुलिस ने 14-14 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जबकि प्रथम दृष्टया पूछताछ के अनुसार और भी कई चोरियों का राजपास होने की पुलिस को उम्मीद है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि जलचक्की से नाथद्वारा मार्ग पर शर्मा हॉस्पिटल के पास दुकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। साथ ही कांकरोली क्षेत्र में 1 दर्जन मोटरसाइकिलें चोरी होने के प्रकरण दर्ज हुए। इस पर राजसमंद DSP बेनी प्रसाद मीणा के निर्देशन में कांकरोली थाना प्रभारी योगेंद्र व्यास के नेतृत्व में ASI जसवंत सिंह, हेड कांस्टेबल बेरूलाल छोगालाल, विक्रम सिंह, प्रकाश, दिनेश कुमार, दनेश कुमार की टीम का गठन किया गया। पुलिस दल ने संदिग्ध गतिविधि वाले युवकों से पूछताछ शुरू की। तभी मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध केलवाड़ा निवासी की इमरान पुत्र मुबारक खान और गुडली कांकरोली निवासी लखन पुत्र रमेश चंद्र नायक से पूछताछ की गई, तो पहले तो वे टालमटोल करते रहे और वे संतोषप्रद जवाब भी नहीं दे पाए। फिर पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को थाने ले जाए कर सख्ती से पूछताछ की, तो दोनों ही आरोपियों ने शर्मा हॉस्पिटल के पास से मोटरसाइकिल चुराना कबूल कर लिया। इस पर पुलिस ने अन्य चोरियों के बारे में भी पूछताछ की, तो एक के बाद एक कर 14 मोटरसाइकिलें चुराना कबूल किया। इस पर पुलिस ने इमरान खान व लखन नायक को गिरफ्तार करते हुए उनकी निशानदेही से 14 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। साथ ही दोनों ही साथी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से रिमांड पर रखने के आदेश हुए हैं। राजसमंद शहर और पूरे जिले के अंदर बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार और एडिशनल SP साहब और डिप्टी साहब के निर्देशन में एक टीम का गठन मेरे नेतृत्व में किया गया था, जिसमें शहर में और ज़िले में जितनी भी वाहन चोरी की घटनाएँ हो रही है उनमें सब में पूरे का घटनास्थल का और इनका डाटा का देखकर उसके हिसाब से कहाँ क्या चोरियाँ हो रही है और किस प्रकार की इनकी SOP वगैरह है, उस हिसाब से वाहन चोरी की घटनाओं को खुलासा करने के लिए आदेश दिया गया श्रीमान SP साहब से। उसी दौरान जो गठित टीम थी वो जब एक नाकाबंदी कर रही थी तो एक बाइक के ऊपर 2 व्यक्ति आए, जिनमें एक का नाम लखन नायक है और एक इमरान है। तो जब इनसे बाइक के कागज़ वगैरह के बारे में पूछा तो कोई कागजात वगैरह नहीं मिले और वो चोरी की बाइक थी जो पहले यहाँ शर्मा हॉस्पिटल के यहाँ से चोरी हुई थी। फिर इनको उस मोटरसाइकिल चोरी के अंदर गिरफ्तार किया गया और इनसे और पूछताछ की गई, तो दौरान पूछताछ इन्होंने करीब 13 और गाड़ियों के बारे में वाहन गाड़ियाँ चुराने के बारे में खुलासा किया, जिनको भी इनसे बरामद किया गया है। साथ ही और भी अभी इनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है, रिमांड लिया गया है और उसके आधार के ऊपर इन पे अन्य वारदातों के अंदर भी शामिल होने की संभावना है। साथ ही इनके और कौन साथी है इनके बारे में भी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है और इन्होंने जो गाड़ियाँ चुराई है वो राजसमंद के अलावा पास के जो ज़िले उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली वगैरह से भी गाड़ियाँ इन्होंने चुराई है, तो उनके बारे में भी अनुसंधान किया जा रहा है और साथ ही इनके गैंग में और कौन कौन लोग शामिल हैं उनके बारे में भी गहन पूछताछ की जा रही है। इनमें अभी इनकी सजाएं भी वगैरह रिकॉर्ड मंगाया गया है। लखन के जो इमरान है उसके सूरजपोल और सुखेर थाने में उदयपुर में मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही इनके दूसरे जो भी रिकॉर्ड वगैरह है वो भी अभी दूसरे थानों से मंगवा कर इनका पूरा और भी क्या क्या किन्हीं घटनाओं में शामिल हो सकते हैं उनका भी अनुसंधान किया जा रहा है। और भी इनके कोई साथी है जो कहाँ ये बेचते हैं क्या करते हैं तो उसके भी पूछताछ की जा रही है और शीघ्र ही उसका भी और कोई जो भी जानकारी मिलती है उसका खुलासा किया जाएगा। ये चोरी का तरीका क्या है इनका? ये अकेले अकेले घूमते रहते हैं और जहाँ भी कोई सुनसान गाड़ी मिलती है तो उसकी रेकी कर घंटे दो घंटे उसके आसपास घूम के और जब लगता है कि यहाँ कोई नहीं देख रहा है तो उसमें मास्टर चाबी से इसको गाड़ी का लॉक वगैरह तोड़कर फिर ये लेकर जाते हैं और पाली में, चित्तौड़ में इधर ले जाकर ये बेचने का काम करते हैं। इसी तरह रेलंगरा थाना क्षेत्र के गवारडी निवासी कुंदन जोशी की 10 जुलाई को दरीबा कॉलोनी में एक मकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी।
इस पर नाथद्वारा पुलिस उप अधीक्षक जितेंद्र आंचलिया के नेतृत्व में रेलिंगरा थाना प्रभारी भरत योगी के साथ एएसआई गोपीराम महिपाल सिंह भंवर सिंह देवीलाल कमलेंद्र सिंह सोमेंद्र सिंह की टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने संदिग्ध गतिविधि पर 18 वर्ष की कम उम्र के 5 बालकों से पूछताछ की तो वे पहले तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए, लेकिन पुलिस द्वारा सख्ती बरती गई तो सभी बालकों ने उन चोरी करना कबूल कर लिया। बताया कि जो दरीबा कॉलोनी से मोटरसाइकिल चोरी हुई थी वह भी उन्होंने ही चुराई थी, फिर इन पांचों ही बालकों ने एक के बाद एक कर 14 मोटरसाइकिल चुराना कबूल किया और पुलिस ने उनके कब्जे से सभी 14 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। पुलिस ने पांचों ही बालकों को न्यायालय में पेश किया जहाँ से उन्हें बाल सुधार गृह भेजने के आदेश हुए हैं। प्रथम दृष्टया पूछताछ में उदयपुर राजसमंद चित्तौड़गढ़ जिले में कुछ मोटरसाइकिलें चोरी होने की भी आशंका है, इस पर पुलिस द्वारा अग्रिम जांच की जा रही है।